वेलकम बैक टू माय चैनल एमा इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी? आज का जो मैंने टॉपिक उठाया है ना, वो डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक और बीटेक, डिस्टेंस हो चाहे रेगुलर हो, वो सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेटर एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसको मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी आपसे, इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगी। एक्चुअली लॉकडाउन के पीरियड में ना मेरे पास मार्कर खत्म हो गया है, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं समझा सकती हूँ, तो मैं प्रेफर करूंगी कि नोट्स से ही आपको कुछ समझा पाऊं। ठीक है, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेसिकली एक एजुकेशनल चैनल है जहां मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, बीटेक या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की। ठीक है, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कोई, और मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियोस कैसे लगते हैं मेरे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इंटीग्रेटर एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर हम सबको पता है क्या होता है। ठीक है, जो एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई मीन अगर कुछ इनपुट्स हैं जो कि सोर्स से चली हैं, उनको डेस्टिनेशन तक जाना है। ठीक है, हम उसको एम्पलीफाई करते हैं बीच में किसी पाथ पर, ताकि जो हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन है वो ठीक से तरह से पहुंच सके। ठीक है, कहीं पर भी सिग्नल वीक ना पड़े और उसको एम्पलीफाई करके हम उसको भेज सके। ठीक है, ताकि डेस्टिनेशन, इसका जो एम होता है ना एम्पलीफायर का, वो एक ही होता है कि डेस्टिनेशन पर हमको क्लियर जितना भी सोर्स से डेटा गया है वो पूरा का पूरा एज इट इज हमें प्रॉपरली मिल जाए, और अच्छी तरीके से उसका जो जैसे कहते हैं ना बिट रेट वगैरह और बैंडविड्थ, सब कुछ जो है ना एज इट इज रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, उसकी जो नॉइसेस है उसमें वो रिमूव हो जाए सारी, और जितने भी उसमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो ना हो, और एकदम प्योर फॉर्म में जैसा सोर्स पे था वैसा डेस्टिनेशन पे हमको जो डेटा है वो मिल जाए। ये काम होता है एम्पलीफायर का। ठीक है, एम्पलीफायर के बाद आता है इंटीग्रेटर एम्पलीफायर। इंटीग्रेटर एम्पलीफायर क्या होता है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना उसमें हेल्प करता है। ठीक है, एम्पलीफाई के साथ साथ जितने भी जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी डेटा में होता है वो उसको अच्छी तरह से डेस्टिनेशन पे पहुंचा पाए, इसलिए हम इंटीग्रेटर एम्पलीफायर को यूज करते हैं। ठीक है, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं एंड और ये सब, तो इनको परफॉर्म करता है बेसिकली जो इंटीग्रेटर एम्पलीफायर, एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एडिशन। ठीक है, ये कंटिन्यूसली ना एडिशन का जो परफॉर्मेंस है ना वो करता है और एम्पलीफाई करता है और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। इसका एक सर्किट डायग्राम है और प्रॉपरली इक्वेशन है, तो वो देख लेते हैं। देखिए, ये है इंटीग्रेटर एम्पलीफायर। मैंने इसको समझाने के लिए आपको थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, इट इज द सर्किट विच परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और इट इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एडिशन, कंटिन्यूस एडिशन करता है। ठीक है, इंटीग्रेटर का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी चीज को इंटीग्रेट करना। ठीक है, प्लस करना, ऐड करना। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। समय जो इंटीग्रेटर एम्पलीफायर है, ये है उसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है, इसको ड्रॉ करना है, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका ये सिंबल समझ लो। ठीक है, सिंबल भी ऐसा ही होता है एम्पलीफायर का। तो यहाँ पर है, पहले रेजिस्टेंस लगाई मैंने यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग दोनों पोल्स हैं। यहाँ पर जा रहा है कैपेसिटर जो कि मिलता है वी आउटपुट पे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस वी आउटपुट। आपको इसी तरीके से जो सर्किट डायग्राम है ना ये ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब ये तो हो गया सिंबल की बात, सर्किट की बात करूँ तो इंटीग्रेटर सर्किट ये वाला होता है, आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा डायग्राम्स और उसकी इलस्ट्रेशन दे पाओगे ना उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बस शर्त ये होती है कि आपका जो कंटेंट है ना वो अच्छा होना चाहिए, और मतलब वैसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी पेपर में उठाकर लिखाओ। ठीक है, आपको एकदम सही कंटेंट होना चाहिए। तो रजिस्टर, कैपेसिटर,
बिल्कुल वैसे ही लगाया है यहाँ पर रेजिस्टर कैपेसिटर सीरीज में, और यहाँ पर पूरा एम्पलीफायर का मतलब एक वो होता है कि एक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन गया। ठीक है, ये दोनों सेम है, बस यहाँ पर एम्पलीफायर को मैंने सिंबल के जरिए दिखा दिया है, ये सिर्फ एज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आई टी, देखिए कुछ टर्म ना वी इज इक्वल टू आई आर आपको पता है होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, टी ले लिया है और यहाँ पर टी ले लिया है, तो वी टी इज इक्वल टू वी टी अपॉन, यहाँ पर टी और टी ऐड कर दो। देखो जो चीज समझ में, आपको बहुत ज्यादा समझने के बाद भी ना आए ना, तो देखिए मार्क्स ये कहते हैं कि आपको ना रट्टा मार लेनी चाहिए। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आई आर, आपको यहाँ पर टी टी ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है वी आउट, वी आउट में क्या आएगा, माइनस वन अपॉन सी इंटीग्रेटर का साइन आई टी डी टी, इसका डेरिवेटिव ले लेना है हमें। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस हमको लर्न करनी पड़ेगी, लर्न करने के बाद हमें इन दोनों इक्वेशंस को ना कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने में क्या आएगा, वी आउट इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन हमने लिखी आई टी, ठीक है आई टी हमने लिखा हुआ है, बस हमने यहाँ पर वी वी अपॉन आर टी को ऐड कर देना है, इन दोनों को कंबाइन कर देना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर वन अपॉन, देखिए इसको कंबाइन करने के बाद क्या होगा, ये डिवाइड में आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड में सी है, तो जब हमने इन दोनों को मिलाया तो इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन सी, माइनस वन अपॉन सी, ये जो ये वाला जो आर था ना, इसको हमने ब्रैकेट के यहाँ पर ले आए हैं, आई मीन इंटीग्रेटर साइन की यहाँ पर ले आए हैं, तो माइनस का वन अपॉन आर सी इंटीग्रेटर का साइन, हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया था, तो यहाँ पर वी टी डी टी आ गया, वी टी डी टी प्लस ए। अब ए क्या है, हमने ये लगाया है इंटीग्रेटर एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये था, और उसके बाद ये है इसकी वेव फॉर्म। आपको मेनली दो इक्वेशंस लिखनी है, और इसका जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आपको एक दो लाइंस आपको डिफाइन करने के लिए लिख देनी है कि इंटीग्रेटर एम्पलीफायर क्या होता है, उसके बाद आपको ये डायग्राम्स बनाने हैं, उसके बाद ये दो इक्वेशंस लिखनी है, और फाइनली इनको कंबाइन करके आपको दिखा देना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये एकदम सही है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर है वेव फॉर्म्स, तो ये वेव फॉर्म्स आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसको लर्न करना कैसे भी करना, बट वेव फॉर्म बना लोगे ना आप, तो जो एक दो चांसेस होते हैं ना 1-2% मार्क्स कटने के, वो भी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर परफॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपकी एप्लीकेशन भी लिख दी है, वाइडली यूज इन रैम्प और स्वीप जनरेटर। और यहाँ पर मैंने आपको बुक में से आपको बता दिया है, आपको नोट्स दे दिए हैं कि पूरा जो कंप्लीट टॉपिक है ना, वो ये मैंने जेबी गुप्ता की बुक में से लिया है, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के चैप्टर में से। तो ये चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन करी थी, ये आपका सर्किट डायग्राम है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इंटीग्रेटर एम्पलीफायर का, और पूरी जो थ्योरी है ना, वो मैंने आप लोगों को इसमें दे दी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जो इक्वेशन है ना आप देख रहे हैं, माइनस वन अपॉन सी, ये वो वाली इक्वेशन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। तो मैंने ना आपको कंप्लीट टॉपिक दे दिया है, वेव फॉर्म हो गई, उसके सर्किट डायग्राम हो गया, उसका सिंबल डायग्राम हो गया, पूरा जो थ्योरी थी उसकी वो मैंने आपको दे दी है, वेव फॉर्म्स दे दी हैं। आप इसमें से पढ़ो, जो नहीं समझ में आता मुझसे ज़रूर पूछना। ठीक है, सारी वेव फॉर्म्स मैंने आपको दे दी हैं, इसमें कंप्लीट टॉपिक आपको बता दिया है, जितना पढ़ोगे उतना कम है, मतलब आप कर लो बस। इसको मैंने मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दिया है क्या किस बारे में है, और थ्योरी मैंने आपको दे दी है, आप पूरा एक्सप्लेन अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लेके, या बुक में से, अगर आपके पास बुक है तो बुक में से पढ़ लीजिए, नहीं है तो मेरे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो में से, और इस टॉपिक की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मिनिमम 6-8 मार्क्स का ये क्वेश्चन ना आ जाता है। तो इंटीग्रेट
इंटीग्रेटर एम्पलीफायर पढ़ने के बाद बारी आती है समिंग इंटीग्रेटर की, ठीक है। समिंग इंटीग्रेटर और इंटीग्रेटर एम्पलीफायर दोनों अलग अलग चीज हैं, बट उसी की ही एक स्टेप आगे का होता है। समिंग का मतलब होता है, मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ, समिंग का मतलब होता है सम करना, यानी कि सबको एक साथ जोड़ देना, ठीक है। तो समिंग, जितनी भी इंटीग्रेटर्स है ना, हमारी इंटीग्रेटिंग की जितनी भी वैल्यूज आई हैं, उन सबको हमको आपस में प्लस कर देना है, इसका मतलब होता है समिंग इंटीग्रेटर। समिंग इंटीग्रेटर एम्पलीफायर सबसे ज्यादा यूज होता है एनालॉग कंप्यूटर्स में, ठीक है। और मैं इसको आपको डिटेल से बता देती हूँ थोड़ा सा, इसका सर्किट डायग्राम और एक थोड़ी सी इक्वेशन है जो कि आपको जरूर लिखनी ही लिखनी है, उसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है बीटेक में कि आप इंटीग्रेटर बताओ, डिप्लोमा में भी है ये वाला क्वेश्चन, समिंग नहीं है डिप्लोमा में, सिर्फ इंटीग्रेटर एम्पलीफायर है। तो इसको ध्यान से लिखना है आपको, ठीक है। वो मैं इंटीग्रेटर एम्पलीफायर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, उसके बाद है समिंग इंटीग्रेटर। मैंने इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ इसीलिए लिया है क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं करना है, जो दो इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी ना कंबाइन करके इंटीग्रेटर एम्पलीफायर में, उन सबको आपस में प्लस कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज्ड इन एनालॉग कंप्यूटर्स, ये आप लोग जानते हो। अब मैंने क्या किया है, ये इसका सिंबल होता है इंटीग्रेटर का, और डायग्राम जो भी आप कह लो। यहाँ पर मैंने एक एम्पलीफायर लगाया है, यहाँ वही रेजिस्टेंस है, देख लीजिए, ये रेजिस्टर्स और एक कैपेसिटर, और पूरा सर्किट डायग्राम ऐसे का ऐसा ही है। बस मैंने यहाँ पर क्या किया है, दो तीन रेजिस्टेंसेस लगा दिए हैं एक की बजाय, ठीक है। और इसको सम कर दिया है, समिंग का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है, इन सबको सम कर दिया है। फॉर्मूला मेरा वही रहेगा जो मैंने दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके किया था, ठीक है। ये देखो, कंबाइन करके मैंने ये रिजल्ट निकाला था, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये इसकी इक्वेशन हो जाती है समिंग इंटीग्रेटर की। अब आपको इसका एक आध न्यूमेरिकल भी आ जाता है, उसको आपको कैसे परफॉर्म करना है, सपोज वी आउट आपको निकालना है, आपको क्या करना है, वी वन आपको ना वी दे रखा होगा, वी वन इतना है, वी टू इतना है, वी थ्री इतना है। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बार बार लिख देना है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। वी वन की वैल्यू वी वन की जगह कर दोगे, वी टू की वैल्यू वी टू की जगह कर दोगे, वी थ्री की वैल्यू वी थ्री की जगह कर दोगे। ये पता है मैंने क्या किया है, यही वाला फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। वी वन की वैल्यू ली है, यहाँ पे लिख दी है, प्लस यही फॉर्मूले में वी टू की वैल्यू लिख दी है, फिर उसे प्लस करा है, फिर यहाँ पे वी थ्री लिख दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, बस वी वन वी टू और वी थ्री मैंने यहाँ पर अलग अलग लिए हैं, थ्री फोर फाइव, ठीक है। इन सबको आपस में प्लस कर दोगे ना तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है समिंग इंटीग्रेटर। समिंग इंटीग्रेटर आपको ये चीज परफॉर्म कर कर दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इसका इंटीग्रेटर निकाल दिया है मैंने, इंटीग्रेट कर दिया है तो यहाँ पर 12 आया उसका आंसर। इंटीग्रेट कर दोगे यहाँ पर -12t जो भी आपका आंसर, अगर आपको बोलता है पूरा निकालने के लिए, नहीं तो समिंग इंटीग्रेटर में आप यही सब एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो ये आपके दो टॉपिक कवर हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो बुक में से मैं आपको दिखा देती हूँ समिंग इंटीग्रेटर, ठीक है। ये वाला है समिंग इंटीग्रेटर, और इसमें ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं है, ये डायग्राम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और ये वाला सिंबल है उसका, और ये जो नीचे आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये पूरा इसमें वी वन वी टू वी थ्री पूरा आएगा, और इसमें वैल्यूज दे रखी है जैसे कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस की। जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो आपको ये वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल भी आता है। जो भी इंटीग्रेटर्स मैंने आपको बताए हैं ना, वो ज्यादातर ये समिंग वाला इंटीग्रेटर एम्पलीफायर और इंटीग्रेटर एम्पलीफायर, ये ज्यादातर यूज होते हैं रैंप और स्वीप जनरेटर्स में, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन है, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सप्लाईज को ऐड करने का, इंटीग्रेट करने का बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ये वाली चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यूज होता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन है स्वीप एंड रैम जनरेटर में, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आ जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।